हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। बेटी है तो कल है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ऐसा भी गांव है जहां लड़की के जन्म होने पर घरवाले अपनी खुशी का इजहार सैकड़ों फलदार पेड़ लगाकर किया करते हैं, बल्कि समाज को एक सार्थक संदेश दिया है। बेटी है तो कल है। सीधी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तेंदुआ गांव है, जहां चौहान परिवार के लोगों को पुत्री रत्न प्राप्त होने की खुशी का फलदार पेड़ पौधे लगाकर किया करते हैं। आमतौर पर बेटी के नामकरण संस्कार में मिठाइयां भी बांटते हैं, बैंड बाजे में नाचते भी हैं, इसके साथ पौधे भी लगाते हैं। लोग कहते हैं कि समाज में लड़की पैदा होने पर कुछ लोग निराश हो जाते हैं, उन्हें दूसरे ध्येय से देखा जाता है, लेकिन आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो लड़कियां सांसद, विधायक, मंत्री से लेकर सरकारी कर्मचारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान छोड़ चुकी हैं। अब समय आ गया है कि समाज के लोग को जागरूकता होने की ज़रूरत है और लड़की होने पर हताशा नहीं बल्कि खुशी होना चाहिए। साथ ही पौधे लगाने से आसपास का वातावरण भी दूषित नहीं होता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे हमारी बेटी भी बड़ी होगी, एक पहचान रहेगी कि बेटी के जन्म होने पर ये पौधे लगाए गए हैं। नीचे दिए हुए लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। समाचार देखने के लिए आपका धन्यवाद। अरे फोका कहीं देखा है तो हल्ला न कर। इधर आउट ऑफ कैमरा, अरे तो मोबाइल से भी इतना बड़ा कैमरा सर। फोटो मारो, फोटो ले लो। ठीक है तो साहब पूरा नहीं आना, मैं कमरा में नहीं आना, बाहर आ जाना। कोई और जगह का है, कोई और साइड का होगा, जाने में कहा है। हाँ अब तो पूरा कन्फर्म हो गया, पूरी चेकिंग हो गई, सब हो गया चालू। वही ना क्या। हाँ तो सब अपना अपना ये अपने समाज के भगवती मानव केंद्र के लोग और अपने घर गांव के परिवार के सभी छोटों से लेकर बड़े तक शुभ आशीर्वाद के रूप में इस वृक्षारोपण को एक प्रदूषण होने से बचाने के लिए इसको संदेश देना चाहिए। और सबको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जो कि सहयोग दिए। देखिए आज ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज पूरे तुम्हारा गाँव वासियों ने, हमारे परिवार ने मिलकर माँ जगदम्बा के आशीर्वाद प्राप्त बात करने वाले सभी लोगों से निवेदन है। और आज ये संदेश ये देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम जो हुआ है वो सिर्फ एक हमारे समाज में बेटी को अलग नज़र से देखा जाता है। आज मैं बेटी का बाप हूँ और पिता होने के नाते मुझे इस चीज़ में गर्व है। और मैंने ये वृक्षारोपण कार्यक्रम इसलिए किया है कि आप लोग भी सभी समाज में बेटी है तो कल है और बेटी को एक अलग नज़र से हटाकर समान दायरे में और सब एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बेटी बेटे में थोड़ा बहुत तो भेदभाव है। तो इसीलिए कोई फंक्शन भी नहीं होता अगर बेटी हो तो, पर ऐसा है नहीं। आज हमारे परिवार को से बहुत सलूट है, हमारे गाँव वासियों को है कि जिन्होंने इस कदम में सहयोग दिया। आज हमने 100 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं, क्योंकि जैसे जैसे पौधे बढ़ेंगे बेटी की आयु बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी। और एक अच्छा मैसेज जाएगा और मैं सभी गाँव वासियों से निवेदन करूँगा, रहवासियों से निवेदन करूँगा कि आप बेटी को अगर अलग नज़र से ना देखें, बेटी है तो कल है। जिस तरह आज देखिए कि बेटियाँ कितनी आगे निकल गई हैं, आज
जिस जगह रूरल एरिया पे है, जो और भी क्षेत्र हैं जहाँ बैकवर्ड है, जहाँ आज भी इस अलग नज़र से देखा जाता है, उन सभी माता पिताओं से निवेदन है, परिवार से अभिभावक निवेदन है कि आप देखें, उनको सही देखें। आज बेटे बेटी में कोई भेदभाव नहीं रह गया है। और वृक्ष के लिए रही बात, तो वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष है तो हम हैं, ऑक्सीजन है तो हम हैं। इसलिए यही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी कीजिए, पहले आइए पहले पाइए। सिंगरौली न्यू मार्केट यमुनोत्री होटल में 600 स्क्वायर फीट की दुकानें खाली हैं। जिस किसी को शोरूम, कोचिंग सेंटर, बैंकिंग के लिए आवश्यकता हो, कृपया संपर्क करें। हमारे यहाँ पार्किंग एवं सर्व सुविधा युक्त स्थान है। हमारा मोबाइल नंबर है 07805668077222973001।